सर मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, मैं 19 साल का हूं और मेरी हाइट 169 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बढ़ाना, हाइट पे वीडियो बनाइए। ये एक जीएस नाम का लड़का ने कमेंट किया है। तो दोस्त देखो, 169 तुम्हारी हाइट है तो तुम इंडियन आर्मी के लिए परफेक्ट हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर चाहते हो 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाना तो कुछ स्ट्रेचिंग है, कुछ एक्सरसाइज है और कुछ बढ़िया एक डाइट से 2-3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा सकते हो। तो लेकिन अगर आप चाहते हो उसको वीडियो बना तो मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ हाइट पे, मतलब इसी वीक पर वीडियो आ जाएगा हाइट पे, ठीक है। उसके बाद एक लड़के ने कमेंट किया है, अजय कुमार ने, पैरों में दर्द होता है। देखो यार, रनिंग स्टार्ट करोगे तो हर एथलीट, हर धावक का, हर और हर जो डिफेंस लाइन की तैयारी करता है, दौड़ स्टार्ट करता है, उसके पैरों में दर्द होता है। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा दर्द होता है तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई है जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, उसका इलाज मिल जाएगा। फिर एक लड़के ने कमेंट किया, ओम प्रकाश कुमार ने, ठीक है, कि स्टेमिना रनिंग पे वीडियो बनाई है। भाई देखो, मैंने स्टेमिना पे भी ऑलरेडी वीडियो बना दी है। बहुत सारे बंदे हैं ना कि कोई वीडियो देखे ही नहीं है, ठीक है, और ऐसे कमेंट करते हैं भैया इस पे वीडियो बनाइए। भाई मैंने वीडियो बना दी है, स्टेमिना पे भी वीडियो मैंने बनाई है, तो एक बार जाके चेक कर लो। SSCGD मेरिट लिस्ट के आधार पर बनता है। हाँ भाई, SSCGD जो है ना, SSCGD नहीं, इंडियन आर्मी भी, BSF, जो भी जितने फोर्स है सबका एक मेरिट बनता है, उसी लिस्ट पे आधार पर आपका वहाँ पर ज्वाइनिंग होता है या कुछ बना जाता है, ठीक है। चलो उसके आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, सर जी TA का पेपर कैसा आता है, TA में सीना कितना मांगता है। देखो यार, जो इंडियन आर्मी में चेस्ट मांगा जाता है वो भी TA आर्मी में ही चेस्ट मांगा जाता है। ये कमेंट किया था देवी सिंह भाटिया, ये लड़के ने कमेंट किया है कि सीना जो है ना, जो चेस्ट है, जो इंडियन आर्मी का रिक्वायरमेंट है वो भी TA आर्मी का ही, और क्वेश्चन भी सेम होता है, क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो उसके बाद एक लड़के ने और कमेंट किया कि नील रॉय ने, नौकनी का सोल्यूशन बताइए। भाई मैंने नौकनी का वीडियो नहीं बनाई है, बहुत सारी जो वीडियो है यूट्यूब पे देखी होगी, लेकिन मुझे उससे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। मैंने कुछ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अगर बढ़िया से बढ़िया कोई एक्सरसाइज आज जल्दी जैसे मेरे को मिलेगी मैं यूट्यूब पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नौकनी की वजन बढ़ाइए जो सस्ता सस्ता डाइट में, मैंने वजन बढ़ाने के वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक, कल ही मैंने वीडियो डाला था, जाकर देख लेना, घर पे देसी प्रोटीन का है एकदम, मतलब क्या बोलूँ, गजब का वजन बढ़ेगा उसका, ठीक है, और फिट बॉडी आ जाएगी। तो हाँ एक बात और, मैं मतलब बहुत सारे बंदे का है ना रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, कोशिश करता हूँ, बहुत सारे जो इंस्टाग्राम है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, इस बहुत सारे बंदे जो फॉलो किए हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन टेंशन मतलब भाई मैं रिप्लाई नहीं दे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सबकी रिप्लाई देने का। और मैंने सोचा कि यार चलो ना, बहुत सारे बंदे कमेंट हो गया तो लगभग कोशिश किया जाए कि एक वीडियो ही बना दिया जाए, जिस बंदे का बढ़िया कमेंट है उसका वीडियो बना दिया जाए और उसको रिप्लाई दे दिया जाए। और हाँ भाई, इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक इंस्टाग्राम का। तो आगे बढ़ते हैं, और स्पीड वर्कआउट ABC ड्रिल बताइए। ABC ड्रिल की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि उसका 2-3 पार्ट मैंने बता दिया, 2-3 जो एक्सरसाइज ABC ड्रिल का उसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप देख लेना इस पर। उसके बाद लिया गया दोस्तों कि सर एयरफोर्स की भी थोड़ी जानकारी, मनु तिवारी ने कमेंट किया कि सर एयरफोर्स की थोड़ी जानकारी दो, अभी रैली आई है, बहुत सारे जो बंदे एयरफोर्स का जुड़े हुए हैं। देखो यार, एयरफोर्स का जो है ना, मतलब मैंने नहीं बताया कुछ ज़्यादा, उसका हार्ड फिजिकल है नहीं, समझा, जो है उसका पहले फिजिकल होगा, आपको एक रैली जो आई है पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न होगा और एक GD होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, मेडिकल ली जाएगी, लगभग यही सब होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो हार्ड है उसका GD, ग्रुप डिस्कशन और एग्ज़ाम हार्ड है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है, सर मेरा चेस्ट चौड़ा नहीं हो रहा है, एक वीडियो बनाइए, ये लिखा है अनिश यूट्यूबर। भाई देख, चेस्ट चौड़ा होने का ना पुशअप लगाने पड़ते हैं, ठीक है, एक सेट होता है, 12 सेट होते हैं पुशअप के, ठीक है, पुशअप लगाने के 12 सेट होते हैं, 12 तरीके से होता है, उसको 4-4 सेट तक बांटा गया है, 4-4 सेट करके इसे किया जाता है। तो आपको ये चेस्ट रेगुलर लगना है, और मैं चेस्ट पे बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, होम वर्कआउट घर पे कैसे चेस्ट को बढ़ाया जाए उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। बस मेरे को पता है एक बैकग्राउंड, असली सही बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है, ठीक है, और सही बैकग्राउंड मिलने के कारण बहुत सारी जो वीडियो है मैं छूट जा रही है। आप लोग कमेंट के अनुसार बहुत सारी वीडियो थी, जैसे नौकनी हो गया, चेस्ट हो गया, हाइट हो गया, ये सारी वीडियो भी छूट रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा दोस्तों बनाने की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, सर बताओ सिक्स पैक कैसे निकलेगा। दोस्तों देखो, सिक्स पैक खाना खाने से और ऐश करने से, गाड़ी से घूमने से सिक्स पैक नहीं निकलेगा, ठीक है। सिक्स पैक के लिए आपको पेट पीटी जरूरी है, बहुत सारा है, लगभग मुझे लगता है कि 16-17 एक्सरसाइज है पैक का। सिक्स पैक मतलब एक आता ना सेव कटिंग, वो नहीं, साइड टू साइड भी रहना चाहिए, तभी मज़ा आता है देखने में। तो मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी ऐसे वीडियो आप लोगों को लाने की। उसके बाद यह है कि सर मैं आपका, अजय कुमार, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर,
आप अपना नंबर दे दो भाई, मेरे को नंबर मेरा चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैंने नंबर लगा के रखा है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक जाओ फॉलो करो, वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद दिया सर, आर्मी जीडी का रिटन टेस्ट पास होने के बाद क्या होता है, कितनी ट्रेनिंग में जाए, क्या इस वीडियो बनाई है। जीडी रिटेन पास होने के बाद क्या होता है, पहले तो दौड़ होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद रिटेन होता है। अब जैसे रिटेन पास करते हो उसका मेरिट बनता है, और उसके बाद एक साल का ट्रेनिंग होता है आर्मी का, ट्रेनिंग होने के बाद आपका ड्यूटी पे लगा दिया जाता है जहाँ पर पोस्टिंग हो जाए। उसके बाद लिखा है कि सर मैंने आपको बहुत दिन से सब्सक्राइब करके रखा है, आपकी वीडियो अच्छी लगती है, ओम प्रकाश कुमार, आपकी वीडियो अच्छी लगती है, बहुत मोटिवेट होता हूँ, मेरा टाइमिंग कम नहीं हो रहा था और मेरा टाइमिंग कम हो गया, और थैंक यू सो मच ओम प्रकाश भाई। चलो और एक कुछ सवाल ढूंढते हैं, पारा कमांडो की ट्रेनिंग, पारा कमांडो जो उसका स्पेशल भर्ती नहीं आती है भाई, ठीक है, पारा कमांडो कोई स्पेशल भर्ती नहीं आती है, ये जो है आर्मी से ही चुने जाते हैं, इंडियन आर्मी से ही चुने जाते हैं पारा कमांडो, जो फोर्स लाइन से ही पारा मिलिट्री मिलिट्री से ही चुने जाते हैं, जितने कमांडो बंद वहाँ से चुने जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। फिर एक है कमेंट की क्या लगा, दास्ता दिल की, तो ये नाम तो नहीं होगा भाई, चैनल बना लिया अपना दास्ता दिल की। इन्होंने लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, मतलब अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो क्या मुझे टाइम मिलेगा, तो हाँ भाई मैंने इंडियन आर्मी के देखा है, एक बार मेरा भी निवासी प्रमाण पत्र छूट गया था, और जिसके लिए मुझे एक हफ्ता के लिए टाइम मिला था, तो टाइम मिलेगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। एलेक्स राजपूत, घमंड तोड़ना है उन मंजिलों के जिनको अपने 440 होने पर घमंड, हाँ ये मेरा शायरी है कि घमंड तोड़नी है उन मंजिलों की जिनको अपने 440 होने पर घमंड है। थैंक यू सो मच एलेक्स मेरी लाइन याद दिलवाने के लिए। गुरुजी एक महीने बाद रैली है, 2 नवंबर को कौन कौन सा वर्कआउट करें। 2 नवंबर को भाई समझा नहीं, एक महीने बाद रैली है तो अपना रनिंग स्टार्ट करो या दौड़ स्टार्ट करो। सर आर्मी की कलर्क पे वीडियो बनाई है, कलर्क पे क्या है, मैंने तो सब चीज़ें वीडियो बनाई, जी डी कलर्क टेक्निकल ट्रेड पे वीडियो बनाई है रैली की, और ऐसे बहुत सारे आप। और हाँ भाई आप चाहते हैं कि आपके लिए बढ़िया बढ़िया कमेंट करो, मैं सबकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा इसी वीडियो के थ्रू। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद।